Hi, have you ever wondered what your moisturizers can and cannot do? I'm Dr. Aseem Sharma, Chief Dermatologist and Director at the Skin Saga Center for Dermatology in Mumbai. और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके moisturizers क्या क्या कर सकते हैं. Gone are the days जब हम moisturizing से सिर्फ एक moisture expect करते थे. Nowadays we want our moisturizers to give water to the skin, keep water there and even repair it in the process. So इसके चलते हमारे पास कुछ active moisturizers हैं. Active meaning उस moisturizer में moisturizing capabilities छोड़ के कुछ actives भी डाले हैं जो हमारे skin को heal और repair कर सकते हैं, जिससे कि हम अपना barrier replenish करेंगे. Active moisturizers कुछ प्रकार के होते हैं. So the first type is जहाँ पे आपके पास occlusives होते हैं. ये हैं आपके butters जैसे कि shea, cocoa, mango, jojoba. पुराने ज़माने में हम mineral oils डाला करते थे जो काफ़ी occlusive थे. These are a better and more sophisticated version of your mineral oils. So these are occlusives. इनका काम ये रहता है skin के ऊपर एक layer बना के रखना, ताकि जितना पानी है वो skin के अंदर रहे. So your skin feels hydrated and stays hydrated. The next type of actives are soothers और anti-inflammatory agents. इसमें हमारे एजेंट्स हैं बीटेन, जिंक PCA, रियालबा एक्सट्रैक्ट, लैक्टोबायोनिक एसिड जिसे हम PHAs के नाम से जानते हैं, बीज वैक्स, जाइलेटॉल एंड सम गम्स. इनका काम है स्किन बैरियर को रिपेयर करना और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन यानी कि आपके स्किन को सूद करना. इफ योर स्किन इज सेंसिटिव, ड्राई, इरिटेटेड, दिस इज द मॉइस्चराइजर दैट यू आर लुकिंग फॉर एंड दीज आर द इंग्रेडिएंट्स दैट यू शुड लुक फॉर इन योर मॉइस्चराइजर. द थर्ड थिंग इज हाइड्रेटर्स जो हमारे स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करें. इसमें सबसे जो प्राइम मॉलिक्यूल है उसका नाम है हाइलुरोनिक एसिड. इसका एक वेरिएंट है सोडियम हाइलुरोनेट जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम रहता है तो वो स्किन पेनिट्रेशन ज़्यादा करता है. सो दैट्स व्हाट यू शुड लुक फॉर इन अ मॉइस्चराइजर. दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि एक्वाक्सिल, स्कॉलिन, ग्लिसरीन एंड अदर एजेंट्स विच आर स्टिल यूज इन मॉइस्चराइजर्स एंड दे वर्क वेरी वेल बाय गिविंग हाइड्रेशन. सो इनका काम है वाटर स्किन में लाना, टू गिव वाटर टू द स्किन एंड कीप इट हाइड्रेटेड. The last type of active moisturizers are reparative moisturizers, जिसमें हम ceramides डालते हैं, arnica extracts डालते हैं, epidermal growth factor डालते हैं, sucralfate डालते हैं. इनका काम रहता है skin को regenerate करना. ये ऐसे natural lipids हैं जो आपके skin में पाए जाते हैं. When we are using them on the skin, वो skin को अंदर से repair करेगा और आपके barrier को clean रखेगा and hydrated रखेगा, ताकि skin sensitivity कम हो and your skin responds better. So friends, the first and main hero molecule in your or hero step in your skincare routine should be moisturizers. आपको AM भी use करना है, PM भी use करना है. If you have very dry skin, they should be used on the body also. So make sure you are moisturizing well and I'll see you guys soon.